तो हम देखते हैं, क्योंकि मिस्टेक हमारी कहाँ हो रही थी, मिस्टेक हमारी यहाँ हो रही थी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं सर्वर के साथ, हम खुद ही कह रहे हैं कि जब वो फॉल्स हो, जब वो फॉल्स हो तब डेटाबेस कनेक्टेड हो। तो ये ऐसे नहीं होगा, जब वो फॉल्स हो तो वो बता दे कि भाई नॉट कनेक्टेड विथ सर्वर, एल्स के अंदर जब वो कनेक्टेड हो जाए, यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई डेटाबेस एस्टेब्लिश, कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो जाए डेटाबेस का। ठीक है, सेम क्यूरी है हमारी, आप यहाँ देख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू ईमेल, ईमेल के टेबल में कॉलम का नेम ईमेल है एंड वैल्यू जो है वो ईमेल ही है। ठीक है, क्यूरी हम रन करवा रहे हैं, रन करवाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इंसर्टेड अदरवाइज नॉट इंसर्टेड। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड हम यहाँ आने के बाद info@shakzi.com जैसे ही क्लिक करते हैं, योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, वापस जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि info@shakzi.com आपका जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया, अब आप 171, ठीक है, रिकॉर्ड आपका फिर इंसर्ट हो गया। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो ये दो रिकॉर्ड्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो आया आपको ये मैसेजेस शो करवाने हैं, या जब रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो तो ये मैसेज शो करवाना है। मींस जब भी एजेक्स कॉल होगी तो आपके जहन में ये बात आए कि हमें पीएचपी की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर रिटर्न में होगा, बिकॉज ये असाइंक्रोनस जो है, असाइंक्रोनस जो है वो डेटा है, एंड विदाउट रिफ्रेश के आपकी चीजें, एजेक्स का सिर्फ यही काम है कि विदाउट रिफ्रेश के चीजें आपको लाके देगा। ठीक है, इंसर्ट करवाएगा, अपडेट आप करवा सकते हैं, वट एवर जैसे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां पे भी आप, अब यहाँ पे आपने एको करवाया तो वो ये एको कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप एक इफ एल्स लगा दें, जहां भी आप एको करवाएंगे तो वो यहाँ पे जरूर आएगा, बिकॉज आपने ये जो डेटा है फीडबैक की डिब में दिया हुआ है। अब आपका ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे ही इंसर्ट हो तो हमें रिकॉर्ड दिखा दे कि भाई हमारे रिकॉर्ड हैं कितने। ठीक है, तो जस्ट आप यहां आएंगे, क्यूरी टू लिखेंगे, क्यूरी टू, क्यूरी बनाएंगे आप, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईमेल। ठीक है, क्यूरी आपकी बनी एंड आप चेक करवाएंगे क्यूरी कि आपकी रन हो रही है, MySQL क्यूरी, आप क्यूरी को जो है वो रन करवाएंगे, किसको, क्यूरी टू को। आपकी क्यूरी रन हुई, देन इसे आप एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, फॉर इंस्टेंस क्यूरी टू रन। ठीक है, अब आपकी क्यूरी जो है वो रन हुई प्रॉपर, तो आप वाइल में, बिकॉज आपको रिकॉर्ड सारे के सारे फेच करवाने हैं, तो वाइल में आने के बाद माई एसक्यूएल फेच एसोसिएटिव एरे आपको देगा, एंड देन जो क्यूरी रन हुई थी आपकी सेकेंड वाली वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड ये हमेशा एसोसिएटिव एरे देता है, तो हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, फॉर इंस्टेंस रो के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एंड देन उस रो को, जो वो रो बन रही है, जाहिर सी बात है एसोसिएटिव एरे आपको मिल रहा है, तो आप की से जो है आप जो है फैच करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं करते तो प्रिंट आर लगा के आप चेक कर लें कि आपका रिकॉर्ड क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे ही प्रिंट आर आप रो लगाएंगे, यहाँ पे एको की जरूरत नहीं, चेक करेंगे कि भाई आपको रिकॉर्ड मिल क्या रहा है। हम प्रिंट आर नहीं लगा रहे डायरेक्ट, हम जो है डायरेक्ट रिकॉर्ड फेच करवा रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये क्यूरी रन हो तो ये प्रिंट करवा दे, एको करवा दे, ना हो तो हमें शो करवा दे कि भाई समथिंग रॉन्ग इन क्यूरी टू। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, अब आपको देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास दो ही रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, हम वापस जाएंगे, हम कहते हैं अनम एट
hotmail.com ऐसा कोई भी मेल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड दे रहा है आपको। जो रिकॉर्ड यहाँ से info@shakzi.com, एक रिकॉर्ड, shahzad@shakzi.com दो रिकॉर्ड, अभी अभी जो anam@hotmail.com, अभी अभी जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया यहाँ पे, बिकॉज टू रिकॉर्ड्स थे लेकिन हमें वो थ्री दे रहा है, बिकॉज हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमें ये रिकॉर्ड्स चाहिए हैं। अब आपको ये रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो टेबल बना सकते हैं, टेबल के अंदर जो है ये डेटा रख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर टेबल आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हम इसी वजह से लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं। टेबल आप बाहर बना लें, बनाएंगे यहाँ पे, देन TR and TDs यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे, TR and then TD and PHP स्टार्ट करने के बाद आप जस्ट रो ईमेल, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से जस्ट हम जो है वाइल को जो है वो क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हम ये ऐसे कर रहे हैं, अगर आप एको लगाने के बाद डबल कोटेशन में भी लिखेंगे तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप चीजें जो है वो कैसे मैनेज कर रहे जो है वो करते हैं, कैसे मैनेज जो है वो। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद टेबल यहाँ लिखता हूँ, एंड ये टेबल जाहिर सी बात है वाइल यहाँ पे एंड हो रहा है, अगर ये टेबल मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ, मीन्स यहाँ पे मैं क्लोज करवाता हूँ टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू वन, ठीक है, वापस जाएंगे हम, रिफ्रेश करते हैं, ali@hotmail.com, तो वो एज इट इज जो है वो प्रिंट कर रहा है आपका जो है टैग्स, ठीक है। तो मतलब आप बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं, आप जो है वो कैसे कोड को यूज करते हैं, या आप अलग जो है वो HTML की फाइल बनाएं, ये देखें आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से रिकॉर्ड फेच करें, यहाँ से कहीं और सेंड कर दें, किसी और कोई और आप HTML की फाइल बनाएं एंड वहाँ पे आप जो है वो रिकॉर्ड सेंड कर दें, या आप जैसे चाहें जो है वो मैनेज करें अपने कोड को। तो मतलब ये इंसर्ट जो है वो का था, आप यहाँ पे अगर हम टेबल नहीं बनाते, जस्ट हम ऐसे ही प्रिंट करवा देते हैं, जस्ट हम ऐसे ही प्रिंट करवा देते हैं कि भाई ईमेल। अब यहाँ पे तो आप फेच करवा रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कर रहे हैं, अब जैसे आप इंसर्ट करवा रहे हैं, फेच करवा रहे हैं सनम का रिकॉर्ड आपके पास फेच हुए, ये आप फेच करवा रहे हैं, अब जैसे आपने इंसर्ट जो है वो किया हुआ है रिकॉर्ड, ऐसे ही आप अपडेट करवा सकते हैं, जस्ट जो है क्यूरी लिखने की ज़रूरत है आपको, एंड देन अपना कोड जो है वो मैनेज करने की आपको ज़रूरत है, एंड आप डिलीट करवा सकते हैं, एंड मतलब सेशन में वैल्यूज IDs सेट करवा सकते हैं, बाद में डिलीट करवाएं उससे, या जो है एक एंकर में वैल्यू आप सेट करवा सकते हैं, एंकर में कैसे वैल्यू सेट होती है आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पता है कि ये देने के बाद देन वेरिएबल का नेम आएगा जो आप देना चाहते हैं, एंड देन उसकी वैल्यू आती है, एंड एंकर यहाँ पे सेट होता है, फॉर इंस्टेंस 1.php, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू सेंड कर सकते हैं, तो बहुत सी वैरायटीज हैं, फिलहाल जस्ट ये आपको बताने के लिए था कि भाई यूजिंग एजेक्स के आप जो है वो कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आप अपना डेटाबेस जो है वो कैसे जो है वो मॉडिफाई करते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे जो है फेच करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।